तो दोस्तों, अगस्त मंथ के ऑटो सेल्स के शानदार डेटा सामने आया है, तो आइए इस वीडियो में जानते हैं शानदार ऑटो सेल्स अगस्त 2023 का डेटा और किन कंपनीज ने बाजी मारी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैसेंजर व्हीकल्स की सेल्स के बारे में। तो मारुति सुजुकी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस 16% की जंप दिखाई है। टोटल सेल्स रही है मारुति सुजुकी की 1,65,402 यूनिट्स इन अगस्त मंथ, और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अगस्त 2023 में टोटल ऑटो सेल्स 70,350 व्हीकल्स रही, और यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट में 37,270 व्हीकल्स सेल किए हैं, और कमर्शियल व्हीकल्स में 23,613 व्हीकल्स सेल किए। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स की। हालांकि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में टाटा मोटर्स में 3.5% की गिरावट आई है, अगस्त 2023 में टाटा मोटर्स ने टोटल सेल्स 78,010 यूनिट सेल किए हैं, जो कि लास्ट ईयर सेम मंथ में 78,843 यूनिट थे। वही टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर टीवीएस मोटर ने टोटल सेल्स में 5% का जंप दिखाया है, जबकि बजाज ऑटो ने 31% की गिरावट रिपोर्ट की है, और आइशर मोटर्स की कुल टू व्हीलर सेल्स में 11% का जंप देखने को मिला है। तो ये था अगस्त मंथ का इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर का परफॉर्मेंस। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप इनमें से कौन सा स्टॉक होल्ड करते हैं, और आने वाले वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन दबा सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए माय फाइनेंस एंड स्टॉक्स यूट्यूब चैनल। थैंक यू। जय हिंद।